2-3 हज़ार रुपए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल पाकिस्तान मंडी इन्फॉर्मेशन। और अभी मैं मौजूद हूँ जावेद गॉड फॉर्म में। ये कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि गुलाबी बच्चों की वगैरह की वीडियो बना के हमें बताएं, तो ये एक फॉर्म है, एक जावेद भाई हमारे हैं उनका ये फॉर्म है। तो ये यहाँ पर सेल वगैरह करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे इनके, तो मैं आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें माशाल्लाह से आप बच्चे वगैरह पहले देख लें, फिर मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी इनके पास तकरीबन अच्छे खासे माल आए हुए हैं, बाकी रमज़ान में तो इनके पास माशाल्लाह से काफ़ी आए हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं था, इशू था टाइम का, तो मैं इस वजह से वीडियो कवर नहीं कर सका। तो अभी मैं आया हूँ तो इनके पास, ताकि इनके पास अच्छी वैरायटियाँ माशाल्लाह से आती हैं, सारी चीज़ें अच्छे जानवर आते हैं, सारे गुलाबी में ही आते हैं इनके पास बच्चे। तो अभी पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देख लें, बच्चे वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको, फिर उनसे भी इंटरव्यू करवाता हूँ। ठीक है, एक ये बकरी भी है, आप देखें बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ है। ठीक है, ये भी बच्चा देखे माशाल्लाह से, ये देखे माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी चीजें हैं, ये देखे बच्चा। ठीक है जी, ये बच्चे को देखे माशाल्लाह से, और इनके बाद माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं, और इनकी रेंज भी बहुत अच्छी होती है। बाकी ऐसे बच्चे आप लेने जाओगे तो काफ़ी रेट वगैरह बताते हैं इनके, इतने हाई फाई रेट बताते हैं कि बंदा खुद परेशान होता है, बंदा बोलता है लेगा कैसे। बाकी ये कि इनके पास रेट भी मुनासिब होते हैं, इनके पास बच्चे भी सारे अच्छे आते हैं। रमज़ान में इनके पास अच्छी खासी वैरायटी आई थी, वो सारे सेल हो गए, इनके बाद माशाल्लाह से अच्छे खासे सेल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें मैं पूछते हैं जावेद भाई से ही मिलवाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जावेद भाई ये कब से काम स्टार्ट किया आपने? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए माशाल्लाह। 2 बच्चों से स्टार्ट किया था। ठीक है, 2 बच्चों के लिए 2 बच्चे परचेज किए, और उसके लिए 16 लाख का प्लाट खरीदा। अच्छा, 2 बच्चों से स्टार्ट किया और 16 लाख रुपए का ये प्लाट भी खरीद लिया माशाल्लाह भाई।
करते करते अल्लाह ताला ने बरकत देते रहे देते रहे। ठीक है, आज मेरे पास 27 बकरियां अल्लाह का शुक्र है खैरपुर में। खैरपुर में, अच्छा गांव में आपने अपना एक सेटअप रखा हुआ है। 27 बकरियां और 4 ब्रीडर है मेरे पास। अच्छा अच्छा, उनके बच्चे हम यहाँ पे कराची में सेल करते हैं और ठीक है सर, जो गाँव में परचेज करते हैं जो लोग, तो उनके बच्चे भी हम उठाते हैं। सही, जैसे आप मार्केट से नहीं उठाते, आपने अपने रखी हुई बकरियां। मैं बेचता हूँ ना, मैं मंडी से उठाता हूँ, मेरा मंडी का काम नहीं है। तो गांव के अंदर जो लोग हमसे परचेस किया होता है, जिन लोगों ने बकरे बकरियां, तो उनकी ब्रीड जो निकलती है उनके कमिटमेंट है हमारी, सही, तो बच्चे हमें देंगे। सही, वो कभी मुंह मांगे दाम भी मांग रहे होते हैं, तो गर्भवती देना पड़ता है। कभी नहीं भी मांगते, चलो लिमिट होती है भाई, 30 में दे दिया, 35 में दे दिया, उसके हिसाब से 10 बच्चों 15 बच्चों। सही, इस साल मैंने 281 बच्चे बेचे। 281 बच्चे भेजे, खाली रमजान में 100 बच्चे मैंने भेजे। सही है, रमजान की तो मैंने आपकी सारी अपडेट देखी थी, रमजान में तो माशाल्लाह से आपके बच्चे आ रहे थे और निकल लेते हैं। बिल्कुल, रमजान में मैंने 100 बच्चे बेचे, सही, बस ये आ रहे थे और दो दिन में चले आते, क्योंकि रेट हमने इस तरह रखा हुआ कि 2-3 हजार रुपए में प्रॉफिट रख के मैं सेल कर देता हूँ। सही है, ठीक है, कस्टमर को वापस जाने नहीं देता, अगर मुझे 1000 रुपए भी बच रहा होता है मैं ले जाऊँ। ठीक है, अब मैं रोक के क्या करूंगा, रोक के यही चीज, अगर मैं 20 हजार रुपए कमाना चाहूँ और वो एक महीने बाद बिके, और जो मैं 2000 कमाना चाहूँ एक दिन में बिक जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है। सही, इससे ज्यादा सेलिंग और कम प्रॉफिट होने मेरा काम है, मैं ये काम। सही है, आपने क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्वालिटी पे प्रॉफिट पे इतना नहीं, तो वो क्वांटिटी जब बिकती है तो प्रॉफिट माशाल्लाह से आपका रिकवर हो जाता होगा। जो महीने में आप बेच के दो बेचोगे, मैं महीने में 100 बेच के, तो वही काम कवर हो जाता है, हो जाता है, तो वो भी हो जाता है। सही, तो वैसे जायद भी, जैसे अभी ये बच्चा सामने नजर आ रहा है पासे वाला, तो इसके क्या रेट होंगे अभी? मैंने बहुत मुनासिब रेट रखे हैं, अभी इनकी उम्र देखे, 6 महीने का बच्चा है, ये 5 महीने का, 6 महीने के, कुछ 6 महीने के। सही, यहाँ अभी थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं बच्चे, अभी इस वक्त इस दफा है बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह, और सब डबल हड्डी के और बड़े झालर बड़े कान के बच्चे हैं। सही, और आप वो देखें कि मैंने एक रेट फिक्स किया हुआ कि 35,000 रुपए। अच्छा, फिक्स रेट रखा हुआ, वो दिल करे उठा लो ले जाओ। सही ना, उसमें आपको वो 1,00,000 का बच्चा लगे, 50,000 का लगे, 20,000 का लगे, आप वो 35,000 में दूंगा अभी फिलहाल, जब 5-6 इसमें से निकल जाएंगे मैं 30,000 के रेट। सही है, ये मेरा तरीकेकार है। अब आखिर में पता चला 2 बजे तो हो सकता है मैं 25 में भी दे देता ले जाओ। सही है, जब आपको प्रॉफिट आ गया तो फिर वो, हाँ मैं एक छोटा सा हिसाब लगा रखता हूँ, 3,00,000 का माल खरीदा, 3,00,000 में अगर मुझे 25,000 प्रॉफिट आ गया, अगर शुरू में आ गया, तो बाकी समझ लो मैंने ऐसे दे देना ताकि सही है, तो दूसरा माल आ जाए। सही है, कि वो वाली बात नहीं करना, 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं, 1.5-1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि 2,00,000 रुपए बाबा, 2,00,000 रुपए बच्चा, अब आप कितना कम कराओगे इससे? सही है, आप ये बोलोगे यार 20 ले लो तो धक्का देके भगा देगा आपको। सही है, फिर आप बोलोगे 35 लो भगा देगा, भगा दे तो 50-60 में लेके आओगे, यही बच्चा घुमा फिरा के 50-60 में लाओगे। उनका एक नाम है फार्म में, बड़े बड़े नाम है उनके, हम तो भाई सीधा साधा छुप छुपा के काम करते हैं। सही, आज आप हमारे सामने आए हैं। सही है, मैं तो आपके सामने नहीं आया, आपने बोला तो मैं, हाँ मैंने इनको थोड़ा फोर्स किया, मैंने कहा आप सामने आओ ताकि आपके भी फेस लोग देखें, ताकि लोग पहचाने कि हाँ भाई ये जावेद भाई हैं। वैसे तो इनके माशाल्लाह से फेसबुक पे भी इनके पेज बना हुआ है अपना, जावेद प्योर गुलाबी गोट फार्म के नाम से। सही, और अपना ग्रुप है। अच्छा, गुलाबी गोट लवर के नाम से, ठीक है, और फेसबुक पे किस नाम से बता रहे हैं? जावेद प्योर गुलाबी गोट फार्म। अच्छा, जावेद प्योर गुलाबी गोट फार्म में, ठीक है। बाकी मेरे अपने अल्लाह के शुक्र है, 1,000-2,000 मेरे अपने व्हाट्सएप पे पहुंचे। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे परचेस किया हुआ मैं उनको सेव करके अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देता हूँ। सही, ब्रॉडकास्ट लिस्ट से जरा पता, अभी मेरे पास 1,000 लोग हो गए, तो मैं एक बटन दबाता हूँ, 1,000 लोगों को वीडियो चली जाती है। उससे बचता है तो मैं फिर वो जाके फेसबुक पे डालता हूँ, और फेसबुक से बचता है तो मैं ओलेक्स पे डालता हूँ। सही, आपने एक अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है ताकि उस कम्युनिटी में पहले चले जाते हैं, बाहर के लोगों को तो अभी जाता ही नहीं है। पहले मेरे अपने ग्रुप के अपने कॉन्टेक्ट जो मेरे अपने सेव हुए व्हाट्सएप पे उनको, उसके बाद देन फेसबुक के बाद जो बचा ओलेक्स पे डाल, ओलेक्स वगैरह पे डाल। ओलेक्स पे ये है कि थोड़े सस्ते लोग आते हैं तो बचता है। सही है, जो आखिर में बचता है तो वो फिर ओलेक्स वगैरह पे चले जाते हैं। सही है, बकरी देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी बकरी है। हाँ, तो अभी ये बच्चा कितने दिन का होगा जैदी? बच्चा अभी है 27 दिन का। 27 दिन का, 27 दिन का बच्चा ये। ठीक है, इस बकरी की खूबी क्या है कि जैसा ब्रीडर होगा वैसा बच्चा होगा। अपने ऊपर इसने आज तक नहीं, ये तीसरा झोल है मेरे पास। ठीक है, पहला झोल मैंने इसका नाम संडे रखा, तो बच्चा पैदा हुआ था। हाँ, मैंने 1,00,000 रुपए का बच्चा भेजा था खाली। सही, पैदाइशी 10 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा था, 10 दिन का बच्चा 1,00,000 रुपए। क्यों? वो अब टोटली अपने उसको ब्रीडर पे गया, ब्रीडर पे गया। ये राजा का बच्चा, ये अपना आप जानते होंगे राजा का ब्रीडर जो उनका अब्दुल कादिर। हाँ, 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 सही, उनका ब्रीडर मैंने परचेस किया था, अब्दुल कादिर साहब को जानते हैं, परचेस किया उसका बच्चा। हाँ, मैं अभी एक्सपो में गया हुआ था, हैदराबाद के एक्सपो में, तो वहाँ वो बकरा आया हुआ था राजा। हाँ, वहाँ पर आया हुआ था वो बकरा, तो मैंने परचेस करके फिर अपने पास रखा था, फिर उसके बाद मैंने किसी और को दिया। अच्छा, बड़े फार्म पे दिया। सही, उसका बच्चा है।
सही। देखो बकरी देख लो कैसी है सही में, और बच्चा देख लो कैसा सही है, बच्चा व्हाइट में पूरा आ रहा है। आज तक अपने ऊपर इसने बच्चा नहीं दिया, और दूध में आप यकीन करो इसका दूध में हाथ में मेरे दर्द हो जाते हैं दूध निकाल निकाल के। यानी कि एक जम्बू बोतल सुबह भरती है बच्चे के पीने के बाद, जम्बो बोतल सुबह भरती है और शाम को तक 1.5 लीटर की बोतल भर के मैं निकालते हैं। तकरीबन जैसे 2.5-3 किलो दूध है इसका, दूध इसमें ठंड फट रहे होते हैं, मेरे हाथ में दर्द होता है। सही, तो इसकी क्या डिमांड होगी जैद भाई? यार ये बस मैंने ये सोचा कि 1 लाख रुपए में, ये 1 लाख रुपए में बच्चे के साथ सेल करोगे आप, सही ना? ठीक है, अभी देखें माशाल्लाह ये अभी 8 दांत हुई है, और एक बकरी की उम्र आपको पता है 8 साल होती है, 3 साल की है। सही है, अभी अब ये सबने प्रॉपर जवान हो गई है, ये जवान हो गई है, और ये तीसरा झोल है इसका, अभी 8 झोल बच्चे और देगी। सही है, हाँ वो बकरी की तो लाइफ होती है कि वो 8 से 5, 5-8 झोल आराम से देती है फिर पूरे होने के बाद भी। बाकी ये कि भाई कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि आइए विजिट कीजिए। बिल्कुल, मैं इनका कांटेक्ट नंबर वगैरह भी डाल दूंगा, और लेना नसीब की बात होती है। हाँ बिल्कुल, आप चीज भी माशाल्लाह से देख लें कि इनके रेट वगैरह भी माशाल्लाह से अच्छे हैं, देख लें आप, बच्चे भी देखें माशाल्लाह से, बच्चे देखें माशाल्लाह। हाँ ये देखें, डबल पासे का बच्चा है, हाँ कितना लंबा बच्चा माशाल्लाह। ये वाला पीछे वाला जाद भी पकड़े, ये अभी तकरीबन ये 5-5, 6-6 महीने के हैं, ये 6 महीने का पासे वाला, ये 5-5 महीने 5-5 महीने के हैं, तो माशाल्लाह बच्चे देखें, हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये देखें सब डबल है। ठीक है, मैं चीज रखता हूँ बिल्कुल प्योर प्योर, 2 पैसे ज्यादा लग जाए पर अपना नाम मैं खराब नहीं करता, मैंने आज तक क्रॉस नहीं रखा, कोई भी शख्स बोल नहीं सकता कि मैं जावेद भाई के पास से क्रॉस बच्चा नहीं दूंगा। सही, मेरे पास बहुत सारी ऑफर है, लोग दे रहे होते हैं कि जावेद भाई ये मेरे पास 7-8 बच्चे निकलवा दो, हाँ। मैं ये काम नहीं करता, मैं मंडी का काम भी नहीं करता, मंडी का काम मैं बेचता भी नहीं हूँ, और चीज रखता हूँ प्योर प्योर, पैसे कम बचे कोई बात नहीं, पर चीज ऐसी हो कि एक नाम पैदा होता रहे, नाम पैदा होता रहे। सही है, चीज क्वालिटी अच्छी होगी लाजमी, ऑलरेडी आपका नाम खुद ही नाम होगा, लोग लेके जाएंगे पालेंगे शौक करेंगे। क्रॉस भी बच्चा, एक बच्चा भी क्रॉस बच्चा नहीं। सही है, ये वाले को पकड़े जरा जावेद भाई, बच्चे को देखें, ये बच्चा भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये वाला जायद भाई, ये वाला बच्चे की माशाल्लाह से जो है ना खाल बड़ी वो है, ये देखें बच्चा को वाला बच्चा ये देखें, इसका मुंह इधर करें जायद भाई, ये देखें बच्चे का मुंह देखें माशाल्लाह से, बहुत प्यारा बच्चा है, इसकी चाल देखेंगे आप माशाल्लाह, इसकी चाल है घोड़े की चाल है इसकी माशाल्लाह से, गाल वगैरह इसकी गलियां वगैरह बहुत प्यारी माशाल्लाह से। एक और बच्चा है इसी किसी का भाई है, वो बड़ा भाई इसका, अच्छा वो एक पीछे भी मेरे खास से गया हुआ वो तो नहीं है, लेकिन इसके बाद माशाल्लाह से चीज़ें अच्छी आती हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं क्वालिटी वाइज, और इनकी अपनी वहाँ पर हैं बकरियाँ वगैरह, बाकी इनके गाँव से बच्चे ये आते हैं तो ये कि इनकी क्वालिटी भी पता चल जाती है। हाँ माशाल्लाह, इनकी आईज भी वाइट है, हाँ वाइट आईज में भी, इधर झोल देखे इसके, हाँ झोल देखे इसके सीने तक छाले है, खाल में निकाले खाल इतने लंबे लंबे खींच रही है, सब प्योर बच्चे माशाल्लाह। सही है, तो ये सारे वही रेट में है कि आप बता रहे 40,000 रुपए में, 35,000 रुपए में, 35,000 में जो दिल करे वो उठा लो। सही है, शुरू के 1,000 रुपए तक जो बंदा पहले आएगा पहले पाएगा। सही है, अभी मैं क्या करते हैं, 50,000 का है, सही है 40,000 का, उन्होंने चार ही कैटेगरीज बना के रखी हुई होती है, 35,000 रुपए जो दिल करे निकाल लो। सही है, जब 4 निकल जाएंगे फिर 32,000 के रेट होंगे, जो मर्जी निकाल लो। सही है, फिर 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ये मैंने अपना हिसाब रखा। सही है, तो ये जायद भाई जरा ये बताइए कि ये फार्म जो आपने बनाया हुआ है गॉड फार्म, ये कौन सी जगह पे और किधर है, क्या अगर कोई आना चाहे तो लोकेशन इसकी? आसान लोकेशन है, औरंगे टाउन के अंदर आप बनारस के पुल से उतरेंगे, ठीक है, सीधा 3 किलोमीटर आएंगे, ठीक है, निशाने अदर चौक है, ठीक है, निशाने अदर चौक, ठीक है, आप आके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, अच्छा जब मर्जी आए, मैं एनी टाइम यहाँ पे मौजूद रहता हूँ, ठीक है, इनकी देखभाल करता रहता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ, सही है, मजा आता है इनके साथ, आपने बंदा बंदा भी लगा, खुद ही करते हो, आपको खुद करते हो, सही है, ये भी बंदे ख्याल खुद से करते हैं ना, वो बात अलग होती है, मेरा दिल मुतमइन नहीं होता, दूसरे कोई नहला भी देता है मुझे मुतमइन नहीं होता, मैं खुद अपना हाथ से नहलाता, सही है, ठीक है, ये मेरे बनाया हुआ मैंने अपना तरीका, कोई बंदा बहुत से लोग बोलते हैं मैंने रख के क्या करूंगा, बस रख के यही सफाई कर लो, बाकी मैं बाकी हाँ खाना पीना ये सारे खुद देखना है, अपनी मर्जी से खुद करूंगा। सही है, तो जायद भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो जरा शेयर करें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0300-0300-227-227-555-61-61। अच्छा व्हाट्सअप भी इसी पे ही है? व्हाट्सअप भी है इसी पे, सब कुछ इसी पे ही है, सारा कॉन्टेक्ट इसी पे, ठीक है, आप इसको डाल दे देना, ठीक है,
चले मेहरबानी जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई और बाकी ये भी बाकी के इंशाल्लाह फिर और भी जो आएंगे जानवर तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा कांटेक्ट करेंगे। बस ये अभी 3 दिन में खत्म हो जाए फिर नया माल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। बोलते कि आपके पास तो 27-28 बकरियां तो इतने बच्चे कहाँ से? हाँ तो मैंने आपको बता दिया बच्चे कहाँ से। सही है, जहाँ जहाँ आपने और भी दी हुई है वहाँ से भी फिर बच्चे आप परचेज वो भी कर लेते हैं। ब्रीड सारे हम उठाते हैं। सही है, कराची में सिर्फ बच्चे सेल करते, बड़े बड़े वगैरह नहीं सेल करते हैं। चले ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ठीक है जी, ये मैंने दिखा दिया अभी, ये इनके तकरीबन सारे माशाल्लाह से 35 के हिसाब से हैं। फिर ये बता रहे हैं कि अगर फिर जो बचेंगे वो फिर 30 के हिसाब से दे देंगे इनके प्रॉफिट का। तो ये इन्होंने आपको बता दिया कि ये प्रॉफिट वैसे ही रखते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं, इनका अपना छोटा काम है माशाल्लाह से इनकी, मगर क्वान्टिटी वगैरह अच्छी आती है और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। ठीक है जी, चलें फिर इनके और जानवर अगर आएँगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे उनकी वीडियो भी शेयर करेंगे और इंशाल्लाह इनको दोबारा इनकी भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी उसके लिए।